हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फोरम। आज के इस वीडियो में मैं स्पोकन से रिलेटेड वो पेट सेंटेंसेस के बारे में बात करने वाला हूं। जब आप कहीं पे भी इंग्लिश में कन्वर्सेशन या कम्युनिकेट करते हैं तो मोस्टली ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इन सेंटेंस का यूज़ ज़रूर करते हैं। आप कन्वर्सेशन करते हैं, ये चीज़ मैंडेटरी नहीं कि ओवरऑल आप पूरा का पूरा इंग्लिश बोलें, बट ये चीज़ अगर आप बीच बीच में कुछ सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो कम्युनिकेट होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो बहुत ही इम्प्रेसिव होता है। सो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट और मोस्टली बोलने जाने वाले सेंटेंस के साथ इस वीडियो में मिलते हैं। आज का जैसे पहला वर्ड है पहले आप। जनरली देखा होगा कि आप क्या करते हैं, जैसे हिंदी में आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं तो पहले आप, कोई आपसे सीनियर होता है तो उसके लिए आप बोलते हैं सर पहले आप। तो पहले आप का मतलब क्या होता है, जनरली अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट यू। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग पहले आपको क्या बोलेंगे, आफ्टर यू। आफ्टर यू का मतलब ही होता है पहले आप। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका। बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है, तो इसको अगर इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट दैट डे। आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट दैट डे। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं ठीक समय पर नहीं आ सका इसलिए माफी चाहता हूं या मुझे माफ करें। इसको अगर इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट इन टाइम। आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट इन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है, आराम से बैठिए। आप कहीं पे जाते हैं दूसरे से बोलते हैं कि आराम से बैठिए, तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। नेक्स्ट सेंटेंस है, जरूर आना या आइएगा। बहुत ज़्यादा बोला जाने वाला सेंटेंस है, इसके लिए आप क्या करते हैं, जरूर आइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। जरूर आना या आइएगा, इसके लिए क्या बोलना है, डू कम। यहाँ पे जो डू वर्ड है वो क्या कर रहा है, इस चीज़ को इम्फसाइज कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, और कुछ। जैसे बहुत ही आप कहीं कन्वर्सेशन करते हैं तो लोग कहते हैं और कुछ, तो और कुछ के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, एनीथिंग एल्स। रिस्पॉन्स में ये भी हो सकता है नहीं कुछ नहीं, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे और कुछ, एनीथिंग एल्स, और कुछ नहीं, उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, नथिंग एल्स। कन्वर्सेशन इंग्लिश में एक्सप्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। डिपेंड ये करता है कि किस वे में चीज़ें बोल रहे हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ें भी बहुत मैटर करेंगी। जैसे यहाँ पे है बस रहने दो, ये क्या है, कोई चीज़ आपने पूछा और कुछ, सामने में रिस्पॉन्स में आया और कुछ नहीं, उसके लिए आप क्या बोलेंगे, दैट्स इनफ। लेकिन यही चीज़ अगर गुस्से में है तो गुस्से में क्या बोलेंगे, इनफ इज इनफ। तो ये चीज़ डिपेंड करेगा कि किस वे में आप बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, भरोसा रखें। भरोसा रखें बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है या फ्रेज आप कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रेस्ट अस्योर्ड। रेस्ट अस्योर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, एक तरफ हो जाओ। आप कहीं पे भीड़ पे जाते हैं, कहीं पे आपको निकलने की जगह चाहिए होती है, तो आप क्या बोलते हैं, एक तरफ हो जाओ। उसके लिए आप क्या बोलेंगे, मूव असाइड। मूव असाइड। सोच समझ कर बोले, इसको इंग्लिश में बोलना है अगर सोच समझ कर बोले तो थिंक बिफोर यू स्पीक। इसका मतलब ही होता है सोच समझ कर बोले। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा वर्ड है, जाने दो। जाने दो, यहां से जाने दे का सेंस क्या है, कोई भी बात है आप उसको कैजुअली ले रहे हो, आप उसको क्या कर रहे हो, ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, तो उसको लोग बोलते हैं जाने दो। उसको अगर इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेट इट बी। लेट इट बी, इसका मतलब होता है जाने दो। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं पढ़ता तो हूं, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता है। बहुत ही कॉमन सा एक पैटर्न, एक फॉर्मेट वाइज क्वेश्चन बनते हैं। मैं जाता तो हूं लेकिन मुझे कोई मिलता नहीं है, मैं खाता तो हूं लेकिन मेरी बॉडी बिल्कुल भी नहीं बनती। ऐसे जो फॉर्मेट वाले सेंटेंस होंगे वो सब हम डू से बोलेंगे। मैं पढ़ता तो हूं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसता, यानी आई डू स्टडी बट आई डोंट गेट एनीथिंग। मैं पढ़ता तो हूं, आई डू स्टडी, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता, मतलब आई डोंट गेट एनीथिंग। चलिए देखते हैं और कुछ सेंटेंस हैं जो हम लोग कन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं।
जैसे पहला सेंटेंस दिया गया है, संपर्क बनाए रखिएगा। आप किसी से बोलते हैं, जाते समय बोलते हैं कि संपर्क में रहना, टच में रहना, तो उसके लिए अगर आप इंग्लिश में बोलना है तो यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, प्लीज कीप इन टच। प्लीज कीप इन टच दैट मीन्स क्या है, संपर्क में रहिएगा, टच में बने रहिएगा। आप कहीं पे जाते हैं, आप किसी से बोलते हैं तो पूछते हैं कि वहां का मौसम कैसा था, वहां का मौसम कैसा था, हाउ वॉज द वेदर देयर। रिस्पॉन्स में क्या मिलता है, रिस्पॉन्स में सामने वाला रिप्लाई करता है या आपको आंसर देता है कि काफी ठंडा था, काफी गर्म था या प्लीजेंट था। तो उस चीज को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, काफी ठंडा था तो उसके लिए क्या बोलेंगे, इट वॉज क्वाइट कोल्ड। अगर आपसे सामने रिप्लाई में ये मिला कि काफी गर्म था तो आप क्या बोलेंगे, इट वॉज क्वाइट हॉट। जैसे आप बोलते हैं मैं चलूं, काफी देर बात की, उसके बाद आपको घर जाना है तो आप बोलते हैं अच्छा मैं चलूं, तो उसके लिए आप क्या बोलते हैं, मैं चलूं, मे आई गो, या मैं चलूं, इसके लिए आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, मे आई लीव। साथ में कोई बैठा है वो आपसे बोलता है अच्छा मैं भी चलूं, वो कहता है क्या मैं आपके साथ चलूं या मैं भी चलूं, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, मे आई अकंपनी यू, मे आई अकंपनी यू। इसका मतलब क्या हुआ कि वो साथ में जाना चाहता है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या करें, क्या करें को क्या बोलते हैं, व्हाट शैल आई डू, क्या करें, व्हाट शैल आई डू। कैसे तकलीफ की, कोई आता है सामने आप पूछते हैं कैसे तकलीफ की, तो उसको अगर इंग्लिश में बोलना है तो बहुत ही इंप्रेसिव वे में आप बोल सकते हैं व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, इसका मतलब ही होता है कैसे तकलीफ की या यहां आपका आना कैसे हुआ। आपको मुझसे कुछ काम है, ये भी बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है, आपको मुझसे कुछ काम है तो उसके लिए आप क्या बोलते हैं, हैव यू एनी बिजनेस विद मी या हैव यू एनी वर्क विद यू विद मी, तो इसके लिए आप क्या बोलते हैं, आपको मुझसे कुछ काम है क्या, हैव यू एनी बिजनेस विद मी या हैव यू एनी वर्क विद मी। कितना समय लगेगा, बहुत ज्यादा बोलने जाने वाला एक ये फॉर्मेट है। आप कहीं पे जाते हैं, कोई वेट कर रहा है और आप उसको कॉल करके बोलते हैं कितना समय लगेगा, तो क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। रिस्पॉन्स में उसने अगर ये बोला कि मुझे 10 मिनट लगेंगे, प्लीज वेट देयर, तो वो क्या बोलेगा, इट विल टेक मी 5 मिनट्स, इट विल टेक मी 10 मिनट्स टू रीच देयर, प्लीज वेट फॉर मी। तो यहां पे ये क्या है, कितना समय लगेगा बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। जैसा नेक्स्ट सेंटेंस है, यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। अगर इस चीज को आप इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलना है, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी, इसका मतलब होता है यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसे भी क्या जल्दी, थोड़ा रुको ना, तो ये बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है और बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं कि ऐसे भी क्या जल्दी आ गई, थोड़ी देर और रुको ना। इसको अगर इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश में कैसे बोलना है, व्हाट्स द हरी, प्लीज स्टे अ लिटिल मोर, व्हाट्स द हरी, प्लीज स्टे अ लिटिल मोर, इसका मतलब ही होता है ऐसे भी क्या जल्दी, थोड़ा रुको ना। नेक्स्ट सेंटेंस है, बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं कि समय कितना तेजी से बीतता है, सबको पता है बहुत तेजी से, वो अपने जो कांस्टेंट स्पीड है उसी हिसाब से बीतता है, तो समय कितना तेजी से बीतता है इसको क्या बोलेंगे, हाउ टाइम फ्लाइज, हाउ टाइम फ्लाइज, इसका मतलब है समय कितना तेजी से बीतता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपने आप को अब सुधार लो। हमेशा हम लोगों के क्या होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, समझाते हैं कि अब अपने आप को सुधार लो, इसको क्या बोलना है, नाउ मेंड योर वेज, नाउ मेंड योर वेज, इसका मतलब ही होता है अपने आप को सुधार लो। नेक्स्ट सेंटेंस है, जिस कष्ट का इलाज नहीं हो सकता उसे सहना ही पड़ता है, बिल्कुल सही बात है, जिस कष्ट का कोई इलाज नहीं उसका सिर्फ क्या है, उसको आपको सिर्फ इंड्योर करना पड़ेगा। अगर इस चीज को इंग्लिश में बोलना है तो व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड, व्हाट कांट बी क्योर्ड या कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड, इसका मतलब ही होता है जिस कष्ट का कोई इलाज नहीं उसे सहना ही पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने कुछ पेट सेंटेंसेस जो हमेशा कन्वर्सेशन में बोले जाते हैं उनका इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन को डिस्कस किया। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।